नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। देखिए, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के तरफ से एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन यहां पर आपका पब्लिश कर दिया गया है। आज इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। आईटीबीपी के नोटिफिकेशन के प्रकार एक BSF एक नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है और उस नोटिफिकेशन से जुड़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स एक वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को डिटेल में चेक कर सकते हैं और BSF के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि निकाली जा रही है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी के तरफ से, और एप्लीकेशन यहां पर 5 जुलाई 2021 को शुरू हो चुका है। लास्ट डेट यहां पर 2 सितंबर 2021 है और अप्लाई यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आवेदन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वेबसाइट को हमने डाल दिया है, आप वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और पोस्ट यहां पर आपका जनरल ड्यूटी और कॉन्स्टेबल के तौर से होगा जो कि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन डेट हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। एज लिमिट की बात करें, आपका आयु सीमा 18 से 23 साल होना जरूरी है जो कि 2 सितंबर 2021 को कैलकुलेट कराया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन आज पर गवर्नमेंट रूल आपका है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट एज रिलैक्सेशन के बारे में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिएगा, हमारे टीम जरूर आपके साथ कॉन्टेक्ट करेगी। बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट से, किसी भी बोर्ड से आप अनन्य मैट्रिकुलेशन पास है तो आप इसे रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेल के लिए हाइट पर आपका 170 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, चेस्ट पर आपका 80 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, उसके साथ साथ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर अधिक है। फीमेल के लिए हाइट के लिए 157 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। और सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक यहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी यहां पर 65 है और सिर्फ यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मेल के लिए आपको ₹100 का एप्लीकेशन फीस चार्ज होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, पहले तो आपका डॉक्यूमेंटेशन कराया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PSC आपका कराया जाएगा, उसके बाद फास्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश कराया जाएगा और बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME के लिए आपका बुलाया जाएगा और साथ ही साथ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि RME के लिए आपको बुलाया जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक और साथ ही साथ एक छोटा टेलीग्राम ग्रुप के लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लेगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द ही जल्द मिल सके। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स आईटीबीपी का नोटिफिकेशन के बारे में। अगर इससे जुड़ी कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमारे टीम आपके सेवा में हाजिर हो जाएगा। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है और चाहते हैं ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहे तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाने ना छूटे। बाकी के जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए ईडीएनए हमारे साथ। नमस्कार।